कि लौकिक समाज की जो माताएं हैं, अति पिछड़ा समाज की जो माताएं हैं, उनकी कोख सुनी नहीं हुई है, उनकी कोख सुनी नहीं हुई है। घोषणा हो चुकी है, घोषणा हो चुकी है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, भारत लाइव देख रहे हैं। इसमें उपेंद्र कुशवाहा पटेल भवन में कर्पूरी जयंती पे छत्रपति शिवाजी की जयंती भी था, दोनों जयंती साथ में उन्होंने मनाया और पटेल महासभा के ओर से ये कार्यक्रम आयोजित था जिसमें उन्होंने शिरकत किया और मंच से उन्होंने क्या कुछ कहा और नीतीश कुमार के बारे में और तेजस्वी यादव के बारे में पहले आप इस वीडियो में सुनिए। लगता हो कि बहुत मुनासिब है, लव को समाज में अकेले उपेंद्र कुशवाहा नहीं है, बहुत सारे लोग लव को समाज में हो सकते हैं, उनमें से किसी का चेहरा नहीं है। वर्षित महतो जी बैठे हैं, उनका चेहरा नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा मेंबर बनकर काम करेगा, और भी बहुत सारे लोग हैं, श्रवण कुमार है, उनका चेहरा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। अति पिछड़ा समाज जिन लोगों ने भिन्नता कर दी, अति पिछड़ा समाज के लोग भी बहुत सारे हैं, उनमें से किसी को ले आइए, किसी को भी ले आइए, लेकिन इस विरासत को आगे ठीक से लेकर चला जा सके इस बात की चिंता है। लेकिन आज जो कुछ भी हो रहा है वह बात अब सारी बातें पब्लिक डोमेन में, अब घोषणा हो चुकी है, घोषणा हो चुकी है, और जो घोषणा हुई है उसके हिसाब से मैं यह कहना चाहता हूं कि लौकिक समाज की जो माताएं हैं, अति पिछड़ा समाज की जो माताएं हैं, उनकी कोख सुनी नहीं हुई है, उनकी कोख सुनी नहीं हुई है। आप इस विरासत को फिर वही सौंपने की बात अगर होगी जहां से विरासत को छीन कर लाएंगे, इतनी कुर्बानी हम लोगों ने इसीलिए दी थी, तूफान से किस्ती को इसीलिए निकाल कर लाए थे कि फिर से किस्ती को उसी तूफान में हम धकेल देने का काम करें, इसके लिए नहीं लोगों ने ताकत देने का काम। हम आप लोगों के माध्यम से भी करना चाहते कि इस विरासत को संभालने की जवाबदेही कोई लौकिक समाज के किसी व्यक्ति के ऊपर या अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति जिन लोगों ने ताकत दी बनाने का काम, उसके हाथ में रहे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर से उसी खौफनाक बंजर के तरफ बिहार अगर जाएगा तो इतिहास हमको भी माफ नहीं, नहीं माफ करेगा। इसलिए आप सब लोगों से हम आग्रह करना चाहते, आज चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती, जब हम अपने महापुरुषों को याद करते हैं तो इस चुनौती से लड़ने की ताकत हमको अंदर से मिलती है। ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन के पीछे मकसद यह भी होता है, जब हम अपने महापुरुषों को याद करते हैं, उनकी वीरता को याद करते हैं, उनके पराक्रम को याद करते हैं, उनके शौर्य को याद करते हैं, उनकी शहादत को याद करते हैं, हमको अंदर से काम करने की ताकत मिलती है, हमसे हमारे अंदर उन चुनौतियों से निपटने की ताकत आती है। तो आज के अवसर पे हम जहां याद कर रहे हैं अपने महापुरुषों को, हम ताकत हम वहां से लेकर आगे कैसे बढ़े ताकि यह विरासत बची रहे, इस बात का संकल्प हम लोगों को लेना चाहिए, इस बात का संकल्प लेना चाहिए। हम आप सब लोगों से भी आग्रह करते हैं, गांव में भी जाइए, लोगों को बताने का काम या विरासत रहेगी तभी यात्रा करते, गांव में भी जाइए, लोगों को बताने का काम या विरासत रहेगी तभी जिस संगठन को लेकर आप लोग भी चल रहे हैं, उस संगठन में जुड़े हुए जो लोग हैं, जो समाज के और लोग हैं, उनको भी न्याय तभी मिलेगा जब यह विरासत जिंदा रहेगी। यह विरासत किसी दूसरे के हाथ में चली जाएगी तो न्याय नहीं मिल पाएगा, और फिर कुछ वर्षों के बाद यह नौबत ना आए कि गांधी मैदान में फिर हुंकार रैली करने की जरूरत पड़ जाए, नहीं यह नौबत आए। इसलिए हम सब लोगों से हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहते हैं कि इस चुनौती को जरा समझने का काम, और जिसको भरोसा है कि जो नौजवान लोग आप लोग आए, 28 जिला के लोग हैं, यहां से अभी बताया गया सब लोग 28 जिला के लोग, इतनी जगह के लोग और इतने अधिकांश तो यहाँ युवा साथी ही नजर आ रहे हैं, युवा साथियों, अगर इस चुनौती को आप लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया तो
तो आगे आने वाले आपके बाद की जो पीढ़ी होगी वह भी आपसे पूछेगी कि विरासत जब फिर से फिर भी हो रही थी तो आप कहां खड़ा है, आप कहां खड़ा है। तो आपने साफ तौर पर सुना कि नीतीश कुमार के बारे में उपेंद्र कुशवाहा साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि नीतीश कुमार जी को भरमाया जा रहा है और उनके इर्द गिर्द कुछ लोग घेरे हुए हैं जो उनको अपने हिसाब से निर्णय नहीं लेने देते हैं। और उसके उन्हें साथ कहा कि तेजस्वी यादव को इशारे में ही कहा कि तेजस्वी यादव को छोड़कर किसी भी अति पिछड़ा या लोक समाज को चेहरे को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए, हमें लोगों को स्वीकार है, लेकिन तेजस्वी यादव को आप लोग मुख्यमंत्री नहीं बनाइए क्योंकि जंगल राज के खिलाफ ही लोगों ने आपको वोट किया था। और उसे अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।